समूह पथरिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ में आरटीआई एक्टी वेस्टबाल चंद सोनी के द्वारा ग्राम पंचायत पर लगभग 20 से 50 लाख की राशि का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। बालचंद सोनी द्वारा सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, साथ ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों को गुणवत्ता विहीन 2M दर्जे का बताकर जांच की मांग की गई थी। इसी शिकायत की जांच करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला पंचायत एडिशनल CEO जितेंद्र कुमार जैन को भेजा गया, जिन्होंने बारीकी एवं गंभीरता के साथ जांच की, जो लगभग दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक चली। जांच में मनरेगा में प्रथम दृष्टया खामी पाई गई है। इधर सरपंच ने सभी आरोपों को एक सिरे से नकार दिया है। आज जांच हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो हमने काम करवाए हैं वो तो हमने हमारी तरफ से सही है, लेकिन उन्होंने ये आईटीआई के तहत जो जानकारी मांगी, अगर उनको गलत लग रहे हैं तो हम उनका पूरा मतलब साथ देंगे इस जाँच में, क्योंकि हमारे काम में कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। कोई फर्जीवाड़ा नहीं? सर, जो कुछ खाते आते जो गलत हुए वो उसमें कोई जान? सचिव जो पहले सचिव रही रोजगार सहायक क्रांति गर्ग करके, वो उन पर काम करते नहीं बनता था, उसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है, उन उनकी गलती है, क्रांति गर्ग की जो पहले हमारे यहाँ पे थी, उनने भी ये सब गलतियाँ की हैं जिनका खामियाजा हम लोग को भोगना पड़ रहा है। और क्या, और ये जो जानकारी मांग रहे हैं वो मतलब ये जो जांच करवा रहे हैं बस ये पैसों के लिए जांच करवा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके लिए पैसे दें, वो हमें घर पे बुलाते हैं और कहते हैं कि हम मतलब पैसे दो, और बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड है इन लोग की, ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, नहीं दोगे तो हम फिर ये झूठी मतलब इंक्वायरी करवाएंगे, तुम्हें जेल भेजेंगे, और अगर पैसे नहीं दोगे तो अगर इतने में नहीं हुआ तो हम तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे और तुम लोग पूरा घर मतलब जलवा देंगे। किसने कहा? ये जो आईटीआई के तहत जी जानकारी मांग रहे हैं ये बालचंद सोनी, ये उन्होंने कहा। उल्टा आरटीआई एक्टिविस्ट सोनी पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट सोनी ने सरपंच के आरोपों को साजिश बताते हुए जनता के हित में बताया है। चंद सोनी ग्राम नरसिंहगढ़ का निवासी हूँ, जो मैंने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी मांगी थी, उस जानकारी में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है वो मैंने ग्राउंड पर देखा, उसके तहत मांगी जानकारी में आज दिनांक
29/6/18 को जन शुक्रवार को जांच के लिए एसओ साहब और उनके असिस्टेंट आए हुए थे, जिन्होंने ग्राम पंचायत भवन में जांच के लिए बैठे थे। चूँकि समय के अभाव में जांच पूर्ण नहीं हो सकी और आने वाले समय में जांच की तारीख उन्होंने दे दी है, जो बुधवार को पूरे नरसिंहगढ़ ग्राम के समक्ष सबको मालूम है कि सबके हित में, जनता के हित में मैंने आरटीआई लगाई है कि ताकि सब गरीबों को इसका लाभ मिले सरकारी, परंतु इसके विरोध में सरपंच का कहना कि धमकी दे रहे जी या कुछ भी पटांग बोलने को तैयार हैं जी, जबकि ऐसा मेरा कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसा मेरा कुछ सोचना है ही नहीं। और सरपंच जो वर्तमान सरपंच हैं उनका उल्टा सीधा बोलना, या जिसकी मैं शिकायत एसपी साहब के यहाँ का पहले भी दे चुका हूँ, इसका मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं एसपी साहब के यहाँ पहले से दे चुका हूँ शिकायत कि ये मेरे को उल्टा सीधा ना फंसाया जा सके और जांच मैं पूरी ही करवा कर रहूँगा। जब तक कि पूरी जांच नहीं हो जाएगी मैं पीछे नहीं हटूँगा। जनहित के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। ये पूछना चाहते जो आज आपकी जांच करने ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ आए, तो जो इनने बालचंद सोनी जी द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर क्या क्या कमियां पाई गई अभी तक, और क्या उसमें आगे करने वाले हैं आप लोग? अभी मैंने जो जांच की है उसमें मनरेगा के एक मजदूर का ही बयान लिया गया जा सका है, उसमें उसके खाते विषयक विसंगति प्राप्त हुई है, और शेष चार मजदूर और हैं जिनके बयान लिए जाना है, तो अभी चूँकि उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो ये लोग जो है बुधवार के दिन, आगामी बुधवार के दिन में इन लोग से रिक्वेस्ट किया है कि शिकायत करता और मजदूर को लेके पंचायत सचिव भी आएंगे और वो वहाँ पे भी बयान दर्ज कराएंगे। इसके अलावा इन्होंने शिकायतकर्ता ने ये जो नाली के संबंध में शिकायत की है, तो नाली यद्यपि भौतिक रूप से मैंने देख ली है, बनी हुई है। अब जहाँ तक इनका प्रश्न ये है कि इस राशि को इन्होंने नाली के नाम से बार बार आहरित किया है, उस संबंध में एक तो शिकायतकर्ता भी अपने साक्ष्य देंगे और सचिव को भी बता दिया गया है कि इसी नाली के कितने बार आपने आहरण किए हैं, वह पूरा रिकॉर्ड लेके आप आइएगा और उसके बाद परीक्षण के बाद वैसे ही निष्कर्ष संभव हो पाएंगे। इसके अलावा जो है एक टुल्लू मोहल्ला से बाजार घाट, क्या नाम है, टुल्लू मोहल्ला टुल्लू झिरिया से बाजार मोहल्ला था, वहाँ की जो है सड़क के संबंध में इन्होंने शिकायत की है। तो यद्यपि वहाँ पर भौतिक रूप से वहाँ पे कार्य हुआ है, वर्ष 14-15 का है, तो इसमें मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ काम तो हुआ है, किंतु यदि शिकायतकर्ता ये कहते हैं कि वो गुणवत्ताहीन है, स्तरहीन है, तो उसके संबंध में कोई टेक्निकल ऑफिसर ही एक गहनता से जांच करके सही रिपोर्ट दे पाएंगे। मोटे तौर पर मैंने देखा कि वास्तव में काम तो है, 4-5 साल में क्षण हो सकता है, तो ये कच्चा काम होने का ये संभव है। तो इसके अलावा और कौन सा विषय है? नल जल योजना में मैंने देखा कि वहाँ पर पाइप हैं, पर पाइप कितने साइज के हैं, क्या है, क्योंकि सचिव ने अभी मेरे लिए रिकॉर्ड नहीं दिया है, पर मोटे तौर पर एक फीते से मोटा मोटा आंकड़े के तौर पर हमने उसका एक परिधि की नाप लेके लिख दी। फिलहाल मामला जांच में है, साथ ही अन्य कार्यों का तकनीकी भौतिक सत्यापन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। नरसिंहगढ़ पथरिया से संतोष मोदी की रिपोर्ट, SCN News India।